और चलिए अब रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। विकास नगर के त्यूणी अग्निकांड में एक्शन लिया गया, लापरवाही बरतने पर तहसीलदार और पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। एएसडीएम ने दोनों पर कार्रवाई की सिफारिश की थी। तहसीलदार रूप सिंह और पटवारी श्याम सिंह तोमर इस वक्त सस्पेंड कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रार कानूनगो को तबादला किया गया है और आपको बता दें नायब तहसीलदार पहले सस्पेंड किए जा चुके हैं। ऐसे में सीएम धामी के आदेश पर यह ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। तो आपको बता दें कि त्यूणी अग्निकांड को लेकर यह पूरा एक्शन हुआ है, जहां पर लापरवाही बरतने पर तहसीलदार और पटवारी को निलंबित किया गया है और एएसडीएम ने दोनों पर कार्रवाई की सिफारिश की थी। तहसीलदार रूप सिंह और पटवारी श्याम सिंह तोमर सस्पेंड किए गए हैं। रजिस्ट्रार कानून गो को तबादला किया गया है। नायब तहसीलदार पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं और आपको बता दें कि सीएम धामी के आदेश पर यह पूरी ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। त्यूणी अग्निकांड को लेकर तहसीलदार और पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। एसडीएम ने दोनों पर कार्रवाई की सिफारिश की थी और साथ ही साथ सीएम धामी ने इस पूरे मामले में एक्शन लेने का आदेश दिया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि रजिस्ट्रार कानूनगो का भी तबादला कर दिया गया है और ऐसे में नायब तहसीलदार पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। तो त्यूणी अग्निकांड में चार बच्चों की मौत हो गई थी, ऐसे में इस पूरे मामले पर अब एक्शन लिया गया है। लापरवाही बरतने पर तहसीलदार और पटवारी को निलंबित कर दिया गया। और चलिए आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी जेल में 44 कैदी एचआईवी संक्रमित मिले हैं। एक महिला कैदी भी एचआईवी पॉजिटिव मिली है। जेल प्रशासन में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। जेल अधीक्षक प्रमोद कुमार ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। बीमार कैदियों का इस वक्त अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। 44 कैदी, बड़ी संख्या में यहाँ पर कैदी मिले हैं जो कि एचआईवी पॉजिटिव है। एक महिला कैदी भी इसमें एचआईवी पॉजिटिव पाई गई है और इस वक्त जेल प्रशासन में इस पूरे व्याख्या की वजह से हड़कंप मच गया। रूटीनली वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है, ट्रीटमेंट उनका वहीं पे स्टार्ट कर दिया जाता है। जेल के अंदर ही टीम यहाँ से जाती है, हमारे पास एआरटी सेंटर से जितना वो आया है संज्ञान में कि 44 कैदी पॉजिटिव आए हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। ये हो सकता है कि वो पहले से पॉजिटिव रहे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी फैल सकता है, कोई सिरिंज के थ्रू भी फैल सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू फैलता है। अब ये कैदी कब से एडमिट है क्या है ये तो अब जेल अथॉरिटी से ही पता चलेगा। ट्रीटमेंट एआरटी के अंदर गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू जो नेको के गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। उनकी टेस्टिंग की जाती है, कितना वायरल लोड है, कितनी CD4 काउंट है, क्या इन्फेक्शन है, उनको उसके अकॉर्डिंग इनको ट्रीट किया जाता है। और उत्तराखंड में आज फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा होने वाली है। 894 पदों के लिए आज सुबह 11 बजे से 1 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। 600 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 210,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। पेपर लेके बाद ये तारीख बदली गई थी, जिसके बाद आज सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ये परीक्षा चलने वाली है और इस पूरे परीक्षा में 600 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 210,000 परीक्षार्थी इस बार हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी संख्या में परीक्षार्थी इस पूरे परीक्षा में शामिल होंगे और इसी के लिए 600 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि पेपर लीक के बाद इस पूरी परीक्षा की तारीख बदली गई थी और ऐसे में अब इस बार नकल ना हो इसको लेकर भी कई इंतजाम इस बार किए गए। 894 पद हैं जिस पर आज ये परीक्षा होने वाली है। हमारे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, तारीख बदली गई थी, परीक्षा आज वापस होने वाली है, ऐसे में इस बार नकल रोकने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए इस परीक्षा को लेकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बिल्कुल तैयारी की है और साफ तौर पर अगर बताएं तो 894 पदों पर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती यहाँ पर आज जो परीक्षा है वो होगी और साफ तौर पर बिल्कुल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पूरे प्रदेश भर के करीब 600 ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जिसमें करीब 210,000 परीक्षार्थी अपनी आज परीक्षा देंगे और पूरे इंतजाम किए गए हैं। और पूर्व में जिस तरह से जो पटवारी और लेखपाल की भर्ती परीक्षा का जो पेपर था वो लीक हुआ था, उसके बाद में फॉरेस्ट गार्ड की इस परीक्षा को भी कैंसिल कर दिया गया था, तो इसको लेकर लोक सेवा आयोग पूरी तैयारी कर रहा था। उसके बाद में लोक सेवा आयोग की तरफ से आज की तारीख
का ऐलान हुआ था कि आज फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती होगी और आज पूरे प्रदेश भर में 894 पदों को लेकर पदों पर ये परीक्षा होगी, जिसके लिए पूरा इंतजाम लोक सेवा आयोग की ओर से किया गया है। और सुरक्षा की अगर बात करें तो जितने भी परीक्षा केंद्र है, यानी पूरे प्रदेश भर के 600 के करीब ऐसे परीक्षा केंद्र है जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर्स के बाद ही परीक्षार्थियों को अंदर दिया जाएगा, क्योंकि चेकिंग विशेष तौर पर चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जिस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आए हैं और एक बड़ी भर्ती परीक्षा आज यहां पर होने जा रही है 894 पदों को लेकर, उसकी तैयारी लोक सेवा आयोग की ओर से की गई है, तो सुरक्षा के भी बहुत इंतजाम किए गए हैं। साफ तौर पर पूरे प्रदेश भर में ये परीक्षा होगी और 894 पदों को लेकर ये भर्ती परीक्षा आज होगी। उसके साथ साथ में जिस तरह से अभी अगर बात करें तो जिस पूर्व में कई ऐसे पेपर लीक हुए हैं जिसके चलते कई परीक्षा टली है, उस लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण परीक्षा। तो 3 लेयर की बता रहे हैं आपकी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि नकल को रोका जा सके। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।